अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी एस एवरी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो जो है सफाई सुथराई के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है, पॉक्स की बीमारी आजकल बहुत चल रही है और बाकी डिजीज भी, बैक्टीरिया भी बहुत चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड एक्सपायर हो रहे हैं। तो आपको करना क्या होता है, हफ्ते में एक बार लाजमी अपने शेड को आप डिटोल से या फिनाइल से वॉश करवाया करें, ठीक है, लाजमी एनी हाउ। क्योंकि अगर आप वॉश नहीं करवाएंगे तो वो जो डस्ट होती है और मिट्टी, अगर आपको इस तरह से, मेरा जैसे शेड बना हुआ है इस तरीके का शेड है, तो बहुत सारी आपके पास बैक्टीरिया जमा हो सकती है, बीमारियां जमा हो सकती है। तो लाजमी फिनाइल से, मेरी नज़र में फिनाइल और डिटोल दोनों बेस्ट है, ठीक है, वो उससे आप ये अपना वॉश करवाया करें। तो मैं हफ्ते में एक बार जो है ये, जैसे कहते हैं ट्रे वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल साफ है, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे ही साफ पानी डालना, अभी पानी देना है इनको, ऐसे ही सारा आपको साफ़ कराना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये देख सकते हैं, ये मुलाजिम है मेरा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर काम करता है, ये बर्ड संभालता है यहाँ पे, तो ये सारा जो है यही मैनेज करता है जब मैं ऑफिस होता हूँ। तो ये हफ्ते में एक बार मैंने इसको बताया हुआ है कि सारा इसको वॉश करना होता है। तो ये देख सकते हैं अभी फिनाइल और डिटोल का सारा ये साफ़ हुआ हुआ है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आपके बर्ड्स की ट्रेज वगैरह भी साफ़ रखनी है, दाना हर चीज़ प्रॉपर, तो आपके बर्ड जो है हेल्दी रहेंगे, ठीक है। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे पास सब के सब बर्ड एक्टिव और हेल्दी हैं, ठीक हो गया, ये देख सकते हैं, ये अल्बाइनो पार्लू, ठीक हो गया, ये देख सकते हैं, ये सारा अभी डिटोल और फिनाइल के साथ साफ़ किया गया है, ठीक है ये। और मैंने इसको यहाँ पे ये निकाल दिया था ताकि यहाँ से पानी बिल्कुल, मतलब मैं ढलान मेरी ऐसे बनी हुई है, जैसे ही पानी आता है डायरेक्ट इस तरफ जाता है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाकी थोड़ा बहुत बकाया हुआ होता है पानी बचा हुआ, उससे हम ये जो है पूरा वॉश करवा लेते हैं। दूसरा ये था कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था चटाइयों का, तो वो जैसे ऐसे मैं करता हूँ, शाम के टाइम इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और दिन के टाइम मतलब सुबह सुबह 9 बजे जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ तो इसको मैं आके, चूँकि फजर की इनको धूप मिल जाती है, ठीक है, जो बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है फजर की जो धूप होती है वो, ठीक है, तो वो मिल जाती है 8:30 बजे मैं ऊपर आता हूँ, इसको मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ खोल के, ये नीचे आ जाती है, ठीक है। अभी हवा बहुत अच्छी आ रही है, वो भी ऐसे बाहर की नीचे आ जाती है, और क्या होता है ये दोनों साइडें कवर हो जाती हैं, ये एग्जास्ट चल रहा होता है, यहाँ से हवा आ रही होती है, और ये फ़ैन चल रहा होता है, ठीक है, फ़ैन चल रहा होता है तो अंदर मेरा टेम्परेचर सही रहता है। अभी आपको अगर टेम्परेचर दिखाऊँ तो देखें 33.9 हो रहा है, ह्यूमिडिटी 53 हो रही है, तो ये बेस्ट होता है बर्ड्स के लिए, ठीक है। बाहर देखें कोई भी आपको, मेरा बर्ड अभी हाँफता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये हवा का प्रेशर चेक कर सकते हैं, ये इतनी मोटी चटाई है फिर भी हिल रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप वेंटिलेशन देंगे, मगर जो मुझसे गलती हुई थी, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट देख लें, तो आपको उससे ज़्यादा तजुर्बा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।